With respect to the subject mentioned above, I am directed to inform that due to unavoidable reason, it is not possible for Honorable Chancellor to preside over the convocation ceremony of the university scheduled on 6th February 2019. Under the circumstances, you are authorized to preside over the convocation ceremony. अतएव माननीय कुलपति महोदय एवं माननीय कृषि मंत्री मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप कृपया बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के पंचम दीक्षांत समारोह के शुभारंभ की घोषणा करने की कृपा करेंगे श्रीमान कुलपति महोदय मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप कृपया स्वागत भाषण एवं विश्वविद्यालय प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की कृपा करें माननीय कृषि मंत्री जी डॉक्टर प्रेम कुमार जी डॉक्टर एस अय्यप्पन पूर्व महानिदेशक इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन एंड वर्तमान में आप केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल मणिपुर के चांसलर हैं और हमारे प्रबंध बोर्ड के सीनेट के और विद्वत परिषद के जो हमारे सम्माननीय अतिथिगण और सम्माननीय सदस्य हमारे सभी प्राचार्य संकाय के सदस्य पदाधिकारीगण छात्र छात्राएं प्रिंट मीडिया के प्रतिनिधिगण देवियों और सज्जनों बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के पंचम दीक्षांत समारोह के शुभ अवसर पर महामहिम कुलाधिपति किसी कारण से नहीं आ पाए मैं अपने कृषि मंत्री जी और अपने पूर्व महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद डॉक्टर एस अय्यप्पन जी और चांसलर सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल को इस दीक्षांत समारोह में पाकर अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ मैं आप इस दीक्षांत समारोह के पावन अवसर पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ आप हमारे यहाँ के जो आज के विश्वविद्यालय के जितने भी छात्र छात्राएं को पदक और मिल रहा है उनको आशीर्वाद देने के लिए आप यहाँ आए इसके लिए हमारा विश्वविद्यालय आपका अनुग्रह ज्ञापन करता है मैं माननीय कृषि मंत्री जी का अत्यंत आभारी हूँ आप समझ सकते हैं कि किसी का उनको भी हमारे चांसलर साहब के साथ आना था ये संभव नहीं हो पाया तो वो किसी तरह से उनको रास्ते में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा फिर भी हमारे माननीय कृषि मंत्री जी आप यहाँ पर आए हैं महोदय आज के इस दीक्षांत समारोह में कुल 238 छात्र छात्राओं को उपाधि प्रदान की जा रही है मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि कुल 238 पदक धारकों में 139 छात्र और 99 छात्राएं हैं इससे प्रतीत होता है कि छात्राओं का आकर्षण कृषि शिक्षा की ओर बढ़ रहा है मैं विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में इन छात्र छात्राओं को उनकी सफलता के लिए बधाई देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ बड़े हर्ष के साथ बताना चाहता हूँ कि पूरे देश के कुल 73 कृषि विश्वविद्यालय समकक्षीय संस्थानों की श्रेणी में हमारे विश्वविद्यालय को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के द्वारा वर्ष 2018 के में 21वीं स्थान प्रदान की गई है विश्वविद्यालय को प्राप्त इस उपलब्धि में छात्र छात्राओं प्राध्यापकों अनुसंधानकर्ताओं प्रसार कर्मियों वरीय पदाधिकारियों सहित राज्य के और केंद्र सरकार का अहम योगदान है शिक्षा के क्षेत्र में आज की तारीख में विश्वविद्यालय अपने 5 कृषि महाविद्यालय में 9 विषयों पर पीएचडी की पढ़ाई की जा रही है शैक्षणिक वर्ष 2018-19 में स्नातकोत्तर शिक्षा के तहत 101 एमएससी एवं पीएचडी छात्राओं ने नामांकन लिया है पूर्ववर्ती छात्र छात्राओं को विश्वविद्यालय से जोड़ने के लिए इस वर्ष अल्युमनाई एसोसिएशन का गठन किया गया है
कृषि शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा गठित पांचवी अधिष्ठाता समिति की अनुशंसा बिहार कृषि विश्वविद्यालय में लागू की जा चुकी है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विश्वविद्यालय के रावे कार्यक्रम की विशेष रूप से प्रशंसा की गई है। स्नातकोत्तर शोध की गुणवत्ता तथा शुद्धता बढ़ाने के लिए प्लेग्रिज्म सॉफ्टवेयर के प्रयोग का भी शुरुआत किया जा रहा है। फिजिकल साइंस विषय में रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ पीजी कोर्स कोरिकुला के लिए देश की पहली कार्यशाला का सफलतापूर्वक आयोजन हमारे विश्वविद्यालय द्वारा कराया गया, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा वित्त पोषित था। मुझे यह बताते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि विश्वविद्यालय के 35 से अधिक विद्यार्थियों ने विभिन्न विषयों में राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की है। साथ ही विश्वविद्यालय के 11 छात्र छात्राओं ने राष्ट्रीय स्तर की छात्रवृत्ति प्राप्त की है। विगत वर्ष में कृषि वैज्ञानिक के कौशल उन्नयन हेतु 2 विंटर और समर स्कूल जो 21 दिवसीय था एवं एक शॉर्ट कोर्स का आयोजन किया गया है। देश में पहली बार कृषि एवं संबंध विभागों के 20 अधिकारियों का हेतु 10 दिवसीय मॉडल ट्रेनिंग कोर्स का आयोजन विश्वविद्यालय मुख्यालय में किया गया। हमारे विश्वविद्यालय के अंतर्गत अंगीभूत महाविद्यालयों के प्राध्यापकों जो अभी तक इस प्रकार के प्रशिक्षण से वंचित थे, उनके लिए विश्वविद्यालय पर आयोजित 21 दिवसीय रिफ्रेशर कोर्स का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। साथ ही विश्वविद्यालय के अंगीभूत महाविद्यालय के कुल 101 सहायक प्राध्यापकों एवं कृषि विज्ञान केंद्र के वस्तु विशेषज्ञों को मानव संसाधन विकास हेतु 2018-19 में विंटर और समर स्कूल में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भेजा भी गया। फैकल्टी डेवलपमेंट के अंतर्गत 6 संकाय सदस्यों को पीएचडी अध्ययन हेतु दूसरे विश्वविद्यालय में भेजा गया। साथ ही साथ सस्य विज्ञान के 1 सहायक प्राध्यापक को कॉमनवेल्थ ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ऑस्ट्रेलिया में पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च फेलोशिप के लिए कृषि विज्ञान केंद्र सुपौल के विषय वस्तु विशेषज्ञ श्री ज्ञान चंद्र को पोलैंड के में पीएचडी अध्ययन हेतु जाने का मौका प्राप्त हुआ है। मुझे विश्वास है कि हमारे विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत इस विश्वविद्यालय के शिक्षण एवं शोध कार्यों में उच्चतम आयाम प्रदान करेंगे। हम सभी के लिए हर्ष का विषय है कि राज्य सरकार द्वारा सीमांचल एवं कोसी क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के अधीन संचालित डॉक्टर कलाम कृषि महाविद्यालय किशनगंज में एक आधुनिक रेशम पालन शोध केंद्र तथा एक उद्यान शोध केंद्र की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई। इसे जल्द से जल्द क्रियान्वित करने की हमारी प्राथमिकता है। बिहार राज्य के लिए सीमिट एवं बिल मिलिंडा गेट फाउंडेशन के सहयोग से बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में नई मृदा इंटेलिजेंस प्रणाली जो कि करीब 1 करोड़ रुपये लागत की है, इसको स्थापित किया गया है। इसकी मदद से मिट्टी जाँच की लागत को कम करते हुए उच्च गुणवत्तापूर्ण स्पेशल सूचना प्रणाली विकसित की जाएगी। शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर विश्वविद्यालय की ओर से महाविद्यालयों में अध्ययनरत 20 सर्वश्रेष्ठ छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। विश्वविद्यालय के सभी 6 महाविद्यालयों में छात्रों को बौद्धिक विकास हेतु अखिल भारतीय शैक्षणिक भ्रमण के तहत 2018 में कुल 153 छात्र छात्राओं के देश के विभिन्न शिक्षण संस्थानों का परिभ्रमण कराया गया। 2018 में आयोजित 9वीं अंतर महाविद्यालय खेल कूद प्रतियोगिता में कुल 225 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इसी प्रतियोगिता में पहली बार छात्राओं को वॉलीबॉल खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विश्वविद्यालय में पहली बार छात्राओं को आत्म सुरक्षा प्रशिक्षण हेतु 7 दिवसीय मार्शल आर्ट प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस वर्ष सभी महाविद्यालयों में छात्र छात्राओं का दुर्घटना बीमा कराकर छात्र कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा की महत्वपूर्ण परिपाटी शुरू की गई। प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से विश्वविद्यालय के छात्रों को लाभान्वित करने का निर्णय लिया गया है। विश्वविद्यालय ने वर्ष 2018 में 30 स्टेट नॉन प्लान परियोजना की स्वीकृति प्रदान की है तथा 3 एक्सटर्नली फंडेड परियोजनाएं विश्वविद्यालय को प्राप्त हुई है। इस प्रकार वर्तमान में विश्वविद्यालय में करीब 201 स्टेट नॉन प्लान परियोजनाएं एवं एक्सटर्नली फंडेड परियोजनाएं जिसमें कि DBT, DST,
ऑस्ट्रेलियन काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिमिट, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट क्रियान्वित की जा रही है। विश्वविद्यालय के शोध परिषद द्वारा धान की सबौर हर्षित एवं सबौर संपन्न तथा तीसी की सबौर तीसी दो अनुशंसित की गई है। विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2018 में खेती की उन्नत 7 उन्नत कृषि तकनीकों को विकसित करके किसानों को उपलब्ध कराया गया है। बिहार की विरासत के रूप में विख्यात जरदालु आम, भागलपुर कतरनी, धान मगही पान को गत वर्ष एवं शाही लीची को इस वर्ष विश्वविद्यालय के प्रयास से भारत सरकार द्वारा भौगोलिक सूचक प्रदान किया गया है। बड़े ही हर्ष की विषय है कि राज्य के इन उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान प्राप्त होगी, जिससे किसानों को बहुत लाभ होगा। जलवायु परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में खेती को टिकाऊ बनाने तथा उसके उत्पादन एवं उत्पादकता को संरक्षित एवं संवर्धित करने के लिए बिहार सरकार द्वारा क्लाइमेट स्मार्ट विलेज परियोजना राज्य के 8 जिलों में शुरू की गई है। राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय को भागलपुर मुंगेर जिले के 2500 किसानों को क्लाइमेट स्मार्ट तकनीकों से लाभान्वित कराने के लिए 1,70,00,000 रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई है। आर्सेनिक प्रदूषित भूमि में उगाई जाने वाली फसलों में आर्सेनिक प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा एक सक्षम जीवाणु चिन्हित करके उसके व्यवहार की तकनीक विकसित की है, जिसका परीक्षण अब अंतिम चरण में है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार के अंतर्गत विश्वविद्यालय को कतरनी चावल के विकास तथा पोषक तत्व युक्त विभिन्न अनाजों के उत्पाद के विकास एवं मानकीकरण के लिए अवरोधक तकनीक का प्रयोग विषयक 2 अनुसंधान परियोजनाएं के लिए 4.25 करोड़ रुपए स्वीकृत किया गया है। उक्त परियोजनाओं के क्रियान्वयन से कतरनी धान सहित अन्य अनाजों की गुणवत्ता एवं शुद्धता में वृद्धि होगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार के अंतर्गत 3 करोड़ रुपए राशि की एग्री बिजनेस इनक्यूबेटर योजना की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इसके अंतर्गत राज्य में कृषि के व्यवसायीकरण को बल प्राप्त होगा। विश्व बैंक तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा वित्त पोषित नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोग्राम के अंतर्गत विश्वविद्यालय के मुख्यालय में सेंटर फॉर एडवांस पोस्ट हार्वेस्ट बायोटेक्नोलॉजी की स्थापना हेतु परियोजना प्रस्ताव समर्पित किया गया है, जिसके शीघ्र ही स्वीकृत हो जाने की आशा है। जैविक कॉरिडोर योजना के अंतर्गत चयनित गांवों में उत्पादित किए जा रहे कृषि उत्पादों के ग्रेडिंग, पैकेजिंग सहित अन्य आवश्यक कार्यों को विस्तार देने हेतु विश्वविद्यालय प्रयास करेगा। पान अनुसंधान केंद्र इस्लामपुर नालंदा को अखिल भारतीय औषधीय एवं सुगंधित तथा पान अनुसंधान उन्नयन परियोजना के सफल संचालन हेतु सर्वोत्तम ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट सेंटर 2018 का पुरस्कार प्राप्त हुआ। इस केंद्र को पान अनुसंधान से संबंधित सर्वोच्च शोध प्राप्त प्रस्तुत करने के लिए भी पुरस्कृत किया गया है। वर्ष 2018 में विभिन्न फसलों के करीब 11,000 क्विंटल बीज उत्पादन कर किसानों को उपलब्ध कराया गया। इसके अलावा विभिन्न फल वृक्षों के 6,00,000 पौध सामग्री तथा टिश्यू कल्चर तकनीक से तैयार 1,25,000 से अधिक केले के रोग मुक्त पौध किसानों को उपलब्ध कराए गए। दलहन उत्पादन एवं उसकी उत्पादकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय मुख्यालय एवं अंगीभूत संस्थानों में स्थापित पल्स सीड हब एवं पल्स ब्रीडिंग सीड प्रोग्राम के अंतर्गत वर्ष 2018 में 1725 क्विंटल दलहनी फसलों के उन्नत बीज उत्पादित किए गए। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 2018-19 में दलहनी फसलों के लिए 3,000 क्विंटल उन्नत बीज उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। तिलहनी फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता को उच्चतम आयाम प्रदान करने हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विश्वविद्यालय को राज्य का पहला सीड हब ऑन लिंसिड स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके लिए 1,50,00,000 रुपये की अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। कौशल विकास के माध्यम से कृषि विकास को मूर्त रूप देने के उद्देश्य विश्वविद्यालय ने दिनांक 27 जून से 6 जुलाई तक भारतीय कृषि कौशल परिषद के सहयोग से वैज्ञानिक एवं प्रसार कार्यकर्ताओं के लिए ट्रेनर्स ऑफ ट्रेनीज कार्यक्रम के अंतर्गत, जिसमें कुल 200
26 वैज्ञानिक प्रसार कार्यकर्ता मास्टर ट्रेनिंग के रूप में प्रशिक्षित किए गए। विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस 5 अगस्त के अवसर पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय किसान वैज्ञानिक कांग्रेस का आयोजन विश्वविद्यालय के मुख्यालय में किया गया, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से आए विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों, उत्कृष्ट किसानों समेत अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। देश में पहली बार किसान विज्ञान कांग्रेस का आयोजन विश्वविद्यालय में किया गया, जो अपने आप में एक अनूठा कार्यक्रम था। सूचना तकनीक के माध्यम से सभी कृषि विज्ञान केंद्रों एवं महाविद्यालय को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा विश्वविद्यालय के मुख्यालय से जोड़ा गया है। विगत वर्ष में विश्वविद्यालय के मीडिया सेंटर द्वारा विभिन्न विषयों पर 22 तकनीकी फिल्मों एवं 30 सफलता की कहानियों पर का निर्माण किया गया और उसकी सीडी बनाकर किसानों को लाभान्वित किया गया है। सोशल मीडिया के लोक शिक्षण के माध्यम से लोक शिक्षण हेतु विश्वविद्यालय में निर्मित अनेक तकनीक फिल्मों को यूट्यूब पर भी अपलोड किया गया है। यूट्यूब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विश्वविद्यालय की तकनीकों को फिल्मों को 130,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं हो चुके हैं। इसी प्लेटफॉर्म पर विश्वविद्यालय की तकनीक फिल्मों को 128 देशों के 1,25,00,000 से ज़्यादा लोगों ने देखा और पसंद किया। इसके माध्यम से विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में आर्थिक लाभ भी प्राप्त हुआ है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से कृषि एवं संबंध क्षेत्रों में लोक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा किए गए प्रयास को राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप इंडियन एक्सप्रेस समाचार समूह ने राष्ट्रीय स्तर पर टेक्नो सभा सम्मान विश्वविद्यालय को प्रदान किया है। गत वर्ष भारत सरकार के माध्यम से विश्वविद्यालय के 8 कृषि विज्ञान केंद्रों में ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र स्थापित किया गया और प्रत्येक केंद्र में एक विषय वस्तु विशेषज्ञ एक ऑब्जर्वर को नियोजित कर किसानों को प्रखंड स्तर पर मौसम की जानकारी दी जा रही है। कृषि उत्पादन विक्रेताओं के कौशल उन्नयन हेतु विश्वविद्यालय द्वारा 15 दिवसीय सर्टिफिकेट कोर्स प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। कृषि उत्पादन विक्रेताओं को व्यावसायिक लाइसेंस प्राप्त करने हेतु इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेना आवश्यक किया गया है। विश्वविद्यालय में पहली बार ग्रामीण युवाओं के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के सहयोग से कृषि उद्यमिता से कृषि की ग्रामीण युवाओं को में रोजगार सृजन विषयक मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, जिसे हम मुक्स के नाम से जानते हैं, की शुरुआत की गई है। इसमें हमारा पार्टनर आईआईटी कानपुर होगा। विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान केंद्रों में प्रत्येक शनिवार को कृषि वैज्ञानिक किसानों के द्वार किसान चौपाल कार्यक्रम के आयोजित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा 1,08,00,000 रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। विश्वविद्यालय के शिक्षकेतर कर्मी हमारे व्यवस्था के रीढ़ हैं। जहां तक शिक्षकेतर कर्मियों के स्थापना लाभ का प्रश्न है, विगत वर्ष MACP के तहत 68 कर्मियों को वित्तीय योजना का लाभ देने हेतु अनुशंसित किया गया। विगत वर्ष में 4 चतुर्थ वर्गीय कर्मियों को संवर्गीय पदोन्नति प्रदान करके लाभान्वित किया गया है। साथ ही साथ अन्य 8 तृतीय वर्ग के शिक्षकेतर कर्मियों को नियमित प्रोन्नति दी गई है। अनुकंपा आधारित नौकरी पाने वाले किसी कर्मी का मामला विश्वविद्यालय में लंबित नहीं है। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर को विश्वविद्यालय में ससमय लागू किया गया है। विश्वविद्यालय के अधीन संचालित कृषि विज्ञान केंद्र के कर्मियों को संवर्गीय प्रोन्नति प्रदान करने हेतु आवश्यक नीतिगत प्रक्रिया आरंभ की गई है। विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान केंद्रों के वरीय वैज्ञानिक एवं प्रधान के कुल 11 पदों की नियुक्ति प्रक्रिया प्रगति पर है। अन्य शैक्षणिक पदों पर भी नियुक्ति की प्रक्रिया के क्रम में रोस्टर निर्वाधन का कार्य प्रगति पर है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के राज्य योजना स्टेट प्लान एवं प्रतिबद्ध नॉन प्लान के प्रस्तावित बजट 2019-20 को 2019-20 एवं पुनरीक्षित बजट 2018-19 वित्तीय समिति एवं प्रबंध बोर्ड से अनुमोदित किया जा चुका है। यहां वित्तीय वर्ष 2017-18 का वार्षिक आय व्यय लेखा विवरणी भी वित्त समिति एवं प्रबंध बोर्ड से अनुमोदित हो चुका है। बिहार सरकार वित्त विभाग के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय में क्रय प्रक्रिया जेम गवर्नमेंट ई मार्केटिंग पोर्टल के माध्यम से प्रारंभ की जा चुकी है। विश्वविद्यालय को इस कार्य के लिए पुरस्कृत भी किया गया है। हमारा सौभाग्य है
कि माननीय मुख्यमंत्री का मार्गदर्शन इस विश्वविद्यालय को अनवरत रूप से प्राप्त होता रहा है। इसी कड़ी में 12 दिसंबर 2018 को माननीय मुख्यमंत्री जी, कृषि मंत्री जी सहित अन्य गण्यमान्य लोगों ने डॉक्टर कलाम कृषि महाविद्यालय किशनगंज का भ्रमण करके महाविद्यालय के प्रशासनिक भवन सहित अन्य भवनों का लोकार्पण किया। माननीय मुख्यमंत्री जी के सोच के अनुरूप डॉक्टर कलाम कृषि महाविद्यालय परिसर को इको पार्क के रूप में विकसित करने का भी प्रयास किया जा रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र कटिहार एवं पूर्णिया के प्रशासनिक भवन का निर्माण का कार्य संपन्न किया गया। दलहनी फसलों के प्रसंस्करण एवं भंडारण हेतु सवार मुख्यालय और कृषि विज्ञान केंद्र मुंगेर एवं लखीसराय तथा दलहन अनुसंधान केंद्र मोकामा में भंडार गृह का निर्माण का कार्य 2018 में पूरा किया गया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के सहयोग से विश्वविद्यालय मुख्यालय में निर्माणाधीन किसान घर तैयार हो चुका है। आज के इस पावन अवसर पर इसके शुभ उद्घाटन की याचना है। बिहार सरकार द्वारा कृषि विज्ञान केंद्रों एवं महाविद्यालयों में विभिन्न आधारभूत परिसंरचनाओं के निर्माण हेतु 8,64,00,000 रुपये की राशि प्राप्त हुई है। उक्त परिसंरचनाओं के निर्माण हेतु संबंधित प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली गई है और निर्माण कार्य भी यथाशीघ्र प्रारंभ किया जाएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा विश्वविद्यालय मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय छात्रावास के निर्माण हेतु 3,00,00,000 रुपये की राशि स्वीकृत हुई है। इसकी प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति भी ICAR से प्राप्त हो चुकी है। जल्द ही निर्माण कार्य आरम्भ किया जाएगा। मैं एक बार पुनः हृदय की अनंत गहराइयों से स्वागत, अभिनंदन एवं आभार प्रकट करता हूं और दीक्षांत समारोह में सभी विशिष्ट अतिथियों का स्वागत करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद। मैं अधिष्ठाता स्नातकोत्तर से अनुरोध करता हूं कि आप कृपया क्रमशः कृषि संकाय एवं पशु चिकित्सा संकाय के डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, मास्टर ऑफ साइंस एग्रीकल्चर एवं मास्टर ऑफ वेटनरी साइंस की उपाधि प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को प्रस्तुत करें। माननीय कुलपति महोदय, मैं आपके समक्ष कृषि संकाय एवं पशु चिकित्सा संकाय के उन छात्र छात्राओं को प्रस्तुत कर रहा हूँ जिनकी परीक्षा ले ली गई है और जिन्हें डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, मास्टर ऑफ साइंस एग्रीकल्चर तो मास्टर ऑफ वेटनरी साइंस की उपाधि के लिए योग्य पाया गया है। आपसे प्रार्थना है कि उन्हें उक्त उपाधि से विभूषित करें। सभी डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, मास्टर ऑफ साइंस एग्रीकल्चर तो मास्टर ऑफ वेटनरी साइंस की उपाधि प्राप्त करता कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और तब तक खड़े रहेंगे जब तक कि वे उस उपाधि में सम्मिलित नहीं कर लिए जाते। मैं अधिष्ठाता कृषि संकाय महोदय से अनुरोध करता हूं कि आप कृपया स्नातक कृषि ऑनर्स एवं स्नातक उद्यान ऑनर्स की उपाधि प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को प्रस्तुत करें। माननीय कुलपति महोदय, मैं आपके समक्ष कृषि संकाय के उन छात्र छात्राओं को प्रस्तुत कर रहा हूं जिनकी परीक्षा ले ली गई है और जिन्हें स्नातक कृषि ऑनर्स एवं स्नातक उद्यान ऑनर्स के उपाधि के लिए योग्य पाया गया है। आपसे प्रार्थना है कि इन्हें उक्त उपाधि से विभूषित करें। मैं अधिष्ठाता पशु चिकित्सा संकाय के अनुरोध करता हूं कि आप कृपया BVSC तथा एनिमल हस्बेंड्री की उपाधि प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को प्रस्तुत करें। माननीय कुलपति महोदय, मैं आपके समक्ष उन छात्राओं को प्रस्तुत कर रहा हूं जिनकी परीक्षा ले ली गई है और जिन्हें BVSC तथा एनिमल हस्बेंड्री की उपाधि के लिए योग्य पाया गया है। आपसे प्रार्थना है कि उन्हें उक्त उपाधि से विभूषित करें। मैं अधिष्ठाता गब्ब प्रौद्योगिकी से अनुरोध करता हूं
कि आप कृपया बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी की उपाधि प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को प्रस्तुत करें। माननीय कुलपति महोदय, मैं आपके समक्ष उन छात्र छात्राओं को प्रस्तुत कर रहा हूं जिनकी परीक्षा ले ली गई है और जिन्हें बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी की उपाधि के लिए योग्य पाया गया है। आपसे प्रार्थना है कि उन्हें उस उपाधि से विभूषित करें। माननीय कुलपति महोदय, मैं अनुरोध करता हूं कि उन छात्र छात्राओं को जिनकी परीक्षा ले ली गई है और जो संबंधित उपाधियों के योग्य पाए गए हैं परंतु दीक्षांत समारोह में भाग लेने में असमर्थ है, को भी क्रमशः उनकी विभिन्न उपाधियां उनकी अनुपस्थिति में प्रदान करने की कृपा करें। मैं सभी उपाधि प्राप्तकर्ताओं को कुलपति द्वारा दीक्षोपदेश के लिए प्रस्तुत करता हूं। मैं दीक्षा देता हूं, सत्य बोलो, कर्तव्य का पालन करो, अध्ययनशील रहो। स्वस्थ बनो, समृद्ध बनो, उदार बनो। कृषि के विकास के लिए नए नए अनुसंधान करो, नए ज्ञान का अध्ययन करो, अनुसंधान के परिणामों का प्रसार करो। सत्य से विचलित ना होना, कर्तव्य से विचलित ना होना, उत्थान कार्य से विचलित ना होना, कल्याण कार्य से विचलित ना होना। तुम्हारा जीवन मंगलमय हो। पंचम दीक्षांत समारोह में सम्मिलित होने वाले स्वर्ण पदक एवं पीएचडी उपाधि धारकों से आग्रह है कि वे माननीय कृषि मंत्री, माननीय कुलपति एवं कुलाधिपति, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय मणिपुर इम्फाल से उपाधि प्राप्त करने की कष्ट करें। प्रवीण कुमार मिश्रा, हॉर्टिकल्चर पोमोलॉजी। बिमलेश कुमार मौर्या, नेक्स्ट। बिमलेश कुमार मौर्या, अमित कुमार मिश्रा, कांचन भामिनी, स्मृति, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, पीएचडी। अनुपम आदर्श, संतोष कुमार दुबे, कुमारी नेहा, गोल्ड मेडल प्राप्त करता, आपसे अनुरोध है कि आप आए।
सपन कुमार बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर गोल्ड मेडलिस्ट। सौरभ स्वामी बीबीएससी एंड एनिमल हस्बेंड्री गोल्ड मेडल। श्री स्मिता एमएससी एग्रीकल्चर गोल्ड मेडल। अब मैं बेस्ट टीचर अवार्ड्स के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं डॉक्टर विष्णुदेव प्रसाद। मैं महोदय आग्रह करना चाहूँगा जो हमारे पादक धारक हैं आज सुबह से इंतजार कर रहे थे उनको भी हम लोग इस अवसर पर आपसे अनुमति चाहेंगे कि आप उन्हें डिग्री दें। सबसे पहले इस क्रम में मैं दयानिधि चौबे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी को बुलाना चाहूँगा। इसके बाद जयंत डिपार्टमेंट ऑफ सीड टेक्नोलॉजी। इसके बाद मंजू डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। राखी डिपार्टमेंट ऑफ सॉयल साइंस एंड एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री। वीना डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी। पूजा रानी डिपार्टमेंट ऑफ सॉयल साइंस एंड एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री। प्रीति डिपार्टमेंट ऑफ सॉयल साइंस एंड एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री। अभिषेक डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स। सुरभि सिन्हा डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स। जल्दी जाओ जल्दी। सौरभ बीएससी एग्रीकल्चर। मनीषा बीएससी एग्रीकल्चर। अनु भारती बीएससी एग्रीकल्चर। शुभम बीएससी एग्रीकल्चर।
रोहित बीएससी एग्रीकल्चर, अनुपम के अनुपमा, अनुपम ज्योति बीएससी एग्रीकल्चर, आगे बढ़ाओ, अनुपम ज्योति तहसीन फातिमा बीएससी एग्रीकल्चर, कृतिका भारती बीएससी एग्रीकल्चर, कृतिका भारती, योगिता शर्मा बीएससी एग्रीकल्चर, इसके पहले है भाई कौन है, नेहा कुमारी, प्रिया, प्रिया कुमारी, इसके बाद मैं आदित्य नारायण जी को बुलाना चाहूंगा जो बीएससी एग्रीकल्चर कंप्लीट किए हैं। राजेश बीएससी एग्रीकल्चर, उधर से उतर जा, संदीप, दिनेश कुमार चौधरी, नीतीश कुमार, रंजन कुमार, शिवानी, चंदा कुमारी, तनु की अनु, अनु कुमारी, अरुंधाती चौधरी, वहां तक वहीं रुक जाना, पहचान में नहीं आ रहा, रमन कुमार, सुजीत कुमार, रोशन कुमार, विवेक कुमार, प्रियांशु प्रियदर्शनी, प्रियांशु प्रियदर्शी, बीटेक कौन सा, ओके, किसका कौन था,
अनिकेत, ये बीपीएस भोला पासवान शास्त्री एग्रीकल्चर कॉलेज के स्टूडेंट हैं। अनिकेत केशव, राहुल कुमार, चंद्रदेव मुर्मू, अभिजीत मनी, तुम लोग यहां से देख लेना, कोई ऐसे नहीं बांधे हो, पप्पू कुमार, दिलीप कुमार, कमलेंद्र, राधे श्याम कुमार, ऋषभ नंदन, अंकित कुमार, अच्युत सुमन, विकास कुमार, विक्की कुमार, रॉबी, रॉबी आनंद, चल आगे बढ़ना, तेरा नाम बोलो, मुकेश रंजन सेठी, मुकेश रंजन सेठी, चंदन कुमार, सुनिधि रॉय, नीतू कुमारी, आशीष रंजन, रोहित कुमार, अनुरूपा कुमारी, दिव्यानी राज,
प्रणव कुमार, अमर कुमार, निशिकांत पटेल, डॉली भारती, कंचन माला, शैलजा कुमारी, कशिश राज, रश्मि कुमारी, रंजीत कुमार रंजन, राहुल कुमार, गोविंदा कुमार, विकास कुमार, मग्नू शाह, कुमार स्वास्तिक, सुनील कुमार, अनंजय कुमार, नारायण रजक, राकेश कुमार, वहां जाके खड़ा हो जाना, जब ले लेगा तो चल जाएगा, वो भी तो विकास का क्या था, विकास कुमार, अवधेश कुमार, अवधेश कुमार, ऋषव राज, अप्पू राजा, आलोक कुमार, इति कुमारी, पूजा सैनी, निक्की कुमारी, आप कौन जा रहे निक्की के बाद, मीरा ना, मीरा
मीरा कुमारी। सर रामदास सर, सबको अनाउंस कर दीजिए बैठने के लिए। नहीं मैं कर सकता हूँ अनाउंस बैठने के लिए, वो उनका अपना। जिसको डिग्री मिल गई वो अपने बिठा यार। प्रियंका कुमारी। ध्यानानंदा कुमारी। नीतीश कुमार। कहाँ तक हुआ? नीतीश कुमार तक, राजेश कुमार। रुक जा राजेश, जाओ जाओ। क्या नाम है? राजेश कुमार। शरद ना, शरद, शरद कुमार। नहीं सर, नहीं, विपिनवा को बोलिए ना। सिद्धार्थ कुमार। बैठाओ ना सर, सर एक बार अनाउंस कर दीजिए। सर 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 सर, एक बार अनाउंस कर दीजिए। नेमी चंद्र, आप एक बार अनाउंसमेंट कर दीजिए, अपनी जगह बैठेगा सब लोग। जिसको मिल गया अपनी जगह बैठिए, बोलिए। आपसे अनुरोध है, जिसको भी डिग्री मिल गई है कृपया करके आप अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। प्रोटोकॉल को ध्यान में। प्रिंस भास्कर, प्रिंस भास्कर, प्रिंस भास्कर, मिथिलेश कुमार, प्रवीण कुमार सिन्हा, प्रकाश कुमार चौधरी, मेनका कुमारी, कोमल, ये मेनका का होगा। सुधीर कुमार, शिशिर कुमार ठाकुर, धीरेंद्र कुमार, धीरज प्रसाद, अर्जुन कुमार मंडल, अज्ञेय पुष्प, प्रणव कुमार, सुनील कुमार, सुनील कुमार टुड्डू, आपसे पुनः निवेदन है, बिना शोर किए जिसको डिग्री मिल जाती है वो अपनी जगह पर बैठ जाए। संजीव कुमार, सुमित कुमार, राहुल कुमार, राहुल कुमार, साक्षी कुमारी, अंजलि कुमारी, अंजलि आगे बढ़ो, खुशबू कुमारी ना, खुशबू कुमारी, खुशबू के बाद
महिमा की मनमा महिमा कुमारी राखी राखी कुमारी तेजस्वी राज गौरव कुमार शुभम सागर बिट्टू कुमार नीरज कुमार रंजन कुमार सुमन कुमार तू आगे खड़ा हो गया सुधांशु कुमार उमेश कुमार मोहम्मद सद्दाम हुसैन अकरम सहीर प्रीति कुमारी कुमारी प्रिंस प्रिया साधना कुमारी पूजा कुमारी मैं आपसे पुनः निवेदन कर रहा हूं आप लोग प्लीज बैठ जाइए प्रतिभा कुमारी प्रभा कुमारी अवंतिका राज निहारिका जितेंद्र कुमार सरोज अमृत प्रिया पिंटू कुमार ओम प्रकाश विकास कुमार लक्ष्मण राव पंकज कुमार प्रवीण
रानी कुमारी आप सभी लोग बैठ जाएंगे और मैं पुनः कुल सचिव महोदय को बुलाना चाहूंगा। मैं प्रोफेसर एस अयप्पन महोदय से अनुरोध करता हूं कि कृपया दीक्षण भाषण प्रस्तुत करें। सभी को नमस्कार। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर का पंचम दीक्षांत समारोह का मुख्य अतिथि सम्माननीय कृषि मंत्री बिहार सरकार डॉक्टर प्रेम कुमार जी, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर का आदरणीय कुलपति डॉक्टर अजय कुमार सिंह जी, हमारे यहाँ यहाँ जो आए हैं आप सभी लोग, प्रबंध बोर्ड और सेनेट का सम्माननीय सदस्यगण, हमारे कृषि विश्वविद्यालय के कुल सचिव, अधिष्ठाता, निदेशकगण, नियंत्रक, सभी प्राचार्य, शिक्षकगण और हमारे दूसरे पदाधिकारी कर्मचारीगण और हमारे जो छात्रा छात्री जो आज डिग्री प्राप्त किए, मीडिया के प्रतिनिधि और देवियों सज्जनों, आप सभी को शुभकामनाएं। और इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं सबौर पहले बार आ रहा हूं, यहां आने का एक सौभाग्य आज मिला है और वो भी सबौर विश्वविद्यालय का, जो आज हमारे कृषि मंत्री सम्माननीय डॉक्टर प्रेम कुमार जी आए हैं। मैं आपको, बिहार सरकार को और आदरणीय कुलपति महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभारी हूँ आप मुझे यहाँ बुलाए हैं। मैं सुबह आया, सुबह से मैं देख रहा हूँ यहाँ, हमारे तो हरित क्रांति हम देखे हैं, श्वेत क्रांति देखे हैं, नील क्रांति महसूस किए हैं, लेकिन आज ये पूरा प्रांगण में सुबह से मुझे देखने मिल रहा है स्वर्ण क्रांति, गोल्डन रेवोल्यूशन। पूरा जो स्टेज पे आप, मंच पे जो आप बैठे हैं, ये सुबह से यही ऊर्जा, जो एनर्जी देखने में मिला है, इसके लिए मैं खुद बहुत भाग्यशील मानता हूँ। और आज जो डिग्री और मेडल्स पाए हमारे छात्र छात्री, आपको बहुत बहुत अभिनंदन। माननीय मंत्री महोदय को मैं यह कहना चाहता हूँ कि अब तो सर आप, हम सुबह से वेट कर रहे थे आपको, आप आए और इतने अच्छी तरह, मैं अगर छात्र होता यहाँ, मैं बहुत ही फॉर्चुनेट मानता हूँ आपके हस्त से खुद डिग्री मिला, इसलिए मंत्री महोदय को आप सभी एक गौरवपूर्वक ताली दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए, बहुत ही अच्छा लगा। आप तो मैं सुना हूँ हिस्ट्री का प्रोफेसर है, हिस्ट्री का डॉक्टरेट है, इतिहास का, इतिहास में डॉक्टरेट है, वो भी मगध यूनिवर्सिटी से। आप ज़रूर इसको आप मानेंगे, कल्चर होगा अगर एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर नहीं तो कोई कल्चर नहीं हो सकता है। तो कल्चर, एग्रीकल्चर इज द बेस्ट कल्चर एंड एग्रीकल्चर इज द स्टार्टिंग ऑफ एनी कल्चर्स। और आप आए आज, मैं जब ये क्रांति का बात करता हूँ, जो बिहार राज्य के सम्माननीय मुख्यमंत्री है श्री नीतीश कुमार जी, 18 साल पहले वो जब केंद्र में कृषि मंत्री थे, एक नया नारा दिए थे, ये सब रेवोल्यूशन हो गया, एक रेनबो रेवोल्यूशन करिए, इंद्रधनुष क्रांति। वो इंद्रधनुष क्रांति आज सब जगह देश में हो रहा है और यहाँ भी हो रहा है। और ये जो बिहार कॉलेज का, बिहार महाविद्यालय का आज शायद 111 साल हो गया अभी, मैं उसी को बिल्डिंग देख के, क्योंकि हम काशी जाते हैं, गया जाते हैं, तिरुपति जाते हैं, सब जगह जाते हैं, लेकिन कृषि के लिए जब भी हम पिलग्रिमेज बनाते हैं, हम ऑलवेज सभी समय हम बात करते रहते हैं सबौर का,
नागपुर का, कोयम्बतूर का, लायलपुर का, और अभी इतना अच्छा लग रहा है कि यहाँ विश्वविद्यालय बन गया जिसका जिसका कुलपति, जिसका नायक, जिसका लीडर है डॉक्टर अजय कुमार सिंह, जिनको मैं कई सालों से जानता हूँ। ऐसा डायनामिक वाइस चांसलर बहुत ही कम मिलते हैं देखने में। आपको और पूरा विश्वविद्यालय को इस संदर्भ में अभिनंदन, बधाई और सभी शुभकामनाएं। मैं ज़्यादा कहना नहीं चाहता हूँ इस संदर्भ में, लेकिन मंत्री महोदय आप देख रहे हैं अभी शाम 8 बज रहा है, लेकिन वो कृषि में जो भी जोड़े हुए हैं यहाँ का शिक्षक गण को मैं विशेषतः धन्यवाद देना चाहता हूँ, प्रणाम करना चाहता हूँ, क्योंकि दिन रात करके काम करते हैं, दिन रात एक करके काम करते हैं। सुबह 9 बजे भी इसी ऊर्जा था, अभी रात 8 बजे भी इतना इतना चमक रहे हैं सब लोग। कैंपस चमक रहा है, बिल्डिंग चमक रहा है और सभी चेहरे चमक रहा है। तो ये चमक के लिए आप सभी को और एक बार बहुत बहुत नमन, प्रणाम, बहुत धन्यवाद, क्योंकि एक अच्छा शिक्षक हो जाने से, जो खुद मंत्री महोदय जानते हैं, वो पूरा जनरेशन अच्छा हो जाता है विद्यार्थीगण, अगर एक खराब होने से पूरा पूरा जनरेशन है कि नहीं, है कि नहीं, जोर से बोलिए, आपका टीचर्स को धन्यवाद दीजिए। ओके, अभी ऐसा है, अभी यहाँ जो शिक्षा चल रहा है, जैसा माननीय कुलपति महोदय बताए उनका प्रतिवेदन में, दूर दराज इलाके में भी सबौर में होने का बावजूद आपका रिकॉर्ड इतना अच्छा है, आप तो बायोटेक्नोलॉजी से लेके बीच से बाजार तक, मैं सब समय वही बोलता रहता हूँ, वो सभी क्षेत्र में आईसीटी, मीडिया सेंटर, जो इतने आप चीज़ें बताएं, बहुत ही गर्व होता है हमको ऐसा एक जगह पे आके, जो नालंदा का बात करते हैं, मगध का बात करते हैं, और उस परिवेश में, ग्रामीण परिवेश में ऐसा ऐसा एक सबौर विश्वविद्यालय देश के लिए इतना बड़ा देन दे रहा है, योगदान कर रहा है। 111 साल से खास तौर पर विश्वविद्यालय होने का बाद में और भी ज़्यादा योगदान हो रहा है, आपको इसीलिए बधाई। वो स्टूडेंट्स आपको यहाँ से यहाँ आने में क्या गर्व लग रहा है, आर यू प्राउड? अरे बिल्कुल सुन नहीं रहा है, यहाँ यहाँ बोलने से पूरा पटना तक सुनना है कि नहीं सर? मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आजकल सब लोग इंजीनियर्स बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, एमबीए करना चाहते हैं, सब वो बी बनने का बाद अमेरिका दौड़ना चाहते हैं, लेकिन अगर विश्वविद्यालय नहीं होते, अगर कृषि टीचर्स नहीं होते, कृषि विद्यार्थियाँ नहीं होते, ये देश ऑलरेडी भुखमरी में, हमारा रैंक तो 103 है, 119 देश में 103 है, और भी बुक में हम मर जाते, लेकिन ये इसलिए मैं पूछता रहता हूँ हमारे छात्र छात्रों जो उपाधि प्राप्त करते हैं, मेडल प्राप्त करते हैं, आपके घर में भी इंजीनियर्स होंगे, डॉक्टर्स होंगे, और हमारे पेरेंट्स बोलते रहते हैं कि वो डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, आप क्या बन गया, ये क्या कृषि में क्यों गए, कुछ नहीं मिला इसलिए कृषि में गया, ये बहुत धारणा है पब्लिक में जो बिल्कुल गलत है कि नहीं? इसलिए वी वॉन्ट टू टेल यू, एक एक ग्रेजुएट प्रोड्यूस करने में मैं ये 5 से 7-8 लाख रुपया लग जाता है, एक डिग्री एक ग्रेजुएट एग्रीकल्चर में करने के लिए 5 से 7 लाख, एमएससी के लिए 10 से 15 लाख, पीएचडी के लिए 20 लाख, ये इतना पैसा लगता है, इतना इन्वेस्टमेंट है। मैं इस स्टेज पर बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूँ बिहार सरकार को, सम्माननीय कृषि मुख्यमंत्री जी को, सम्माननीय कृषि मंत्री को, इसीलिए सर हम देश भर जाते हैं, देखते हैं, हर कृषि विश्वविद्यालय में पैसा बिल्कुल शॉर्टेज है, बिल्कुल पैसा मिलता नहीं, लोग रोते रहते हैं। ऐसा एक ही विश्वविद्यालय है जो सबौर का बिहार कृषि विश्वविद्यालय है, जहाँ कुलपति से लेके प्रोफेसर तक, असिस्टेंट प्रोफेसर तक बोलते रहते हैं हमको पैसा का कोई कमी नहीं है। तो यह तो आपको सरकार को आपको विशेष धन्यवाद, आप इस तरह फाइनेंशियल सपोर्ट और मॉरल सपोर्ट सब दे रहे हैं, जिसके लिए हम सभी के तरफ से और कृषि वैज्ञानिक होने के नाते आपको बहुत बहुत धन्यवाद और कृतज्ञ धन्यवाद देना चाहता हूँ।
और ज़्यादा समय ना लेते हुए अगेन अभी इस समय हमारे जो जो डिग्री प्राप्त करके बाहर जाते हैं आपसे निवेदन है, कृषि काली एग्रीकल्चर नहीं रहा है। पहले जैसा हम बात करते थे वो बीज बो और क्रॉप को हार्वेस्ट करो, इतना नहीं सीमित है। अगर हमारा किसान कुछ करना चाहता है, कृषि में रहना चाहता है, हमारा युवा गांव में बसना चाहते हैं, उनको पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, गौरव चाहिए, रेस्पेक्ट चाहिए। तो इसलिए आपसे अनुरोध है, आज का कृषि काली फार्म में सीमित नहीं है, बियॉन्ड फार्म सेकेंडरी एग्रीकल्चर हो गए, IoT इन एग्रीकल्चर हो गए, जो भी नए साइंस। बहुत ही अच्छा लगा सर आज यहाँ ड्रोन देखा मैं, जो खुद यूनिवर्सिटी में जो ड्रोन ऑलरेडी मीडिया सेंटर सब का बात होता रहता है, ऑलरेडी यूर इन ए वेरी गुड सिचुएशन। हम चाहते हैं कि नए साइंसेस, नए टेक्नोलॉजीज, साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन, ये तीनों को कंबाइन करके किस तरह हमारे किसान भाइयों बहनों को ज़्यादा पैसा कमाने के लिए रास्ता दिखाए, यही हमारा जिम्मा है कि नहीं? करेंगे आप? या अभी अभी स्थिति ऐसा आ गया है कि सब लोग गांव छोड़ के शहर तक दौड़ने का देखते रहते हैं, वो मोबाइल दुकान हो, ऑटो रिक्शा हो, और ऐसा चलता रहता है। लेकिन हम चाहते हैं गांव में लोग, खास तौर पर बिहार जैसा राज्य में लगभग 77% लोग एग्रीकल्चर में निर्भर है, उसमें भी 90 से ज़्यादा छोटे किसान हैं, उनको सख्त ज़रूरत है। इस समय जलवायु परिवर्तन, कई तरह का वो जैविक अजैविक जो तनाव बोलते वो, और यांत्रिकरण नहीं है, और उस समय क्या जो प्रसंस्करण का बात करते हैं वो अभी भी कमी है। तो ये सब देखते हुए एक नए विज्ञान, एक नए साइंस, न्यू साइंस हम जो बोलते हैं, वो विश्वविद्यालयों से बाहर निकलना है। तो इसलिए ये कृषि विश्वविद्यालय का जो सेवा देन, ये सब मैं ज़्यादा बार बार नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन आज जो आप डिग्री लेके जा रहे हैं, आपसे अनुरोध है कि कितने लोग गांव से हैं यहाँ? गांव से सभी लोग गांव से हैं, सब गांव जाएंगे वापस? देखिए कोई 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 आवाज़ ही नहीं, गांव जाएंगे वापस? ज़ोर से, आपका सभी वीडियो लिया जा रहा है, बाद में फोटो दिखाएंगे, अगर नहीं गांव नहीं जाने से पूछेंगे क्यों नहीं गया, जाएंगे तो फ्रेंड्स इतना ही मैं बोलना चाहता हूँ हम सबको, जो आज सुबह से आप बैठे हैं, आप रियली सौभाग्य में इतने भाग्यशाली है क्योंकि हमको यहाँ बैठने का अवसर मिला है, और इतना हमको समाज दिया है, हमको डिग्री दिलाया है, गोल्ड मेडल दिलाया है। अभी हमारा जिम्मा है बाहर जाके जितना हो सकता है आप सभी समाज को वापस दें। स्वामी विवेकानंद बोलते हैं कि दे ओनली लीव हु लीव फॉर अदर्स, अदर्स आर मोर डेड देन अलाइव। सो वी वॉन्ट टू बी अलाइव, we want to give that science, we want to give that seva, we want to give that skill to the society. So aap sabse anurodh hai abhi fir gaon ke aur chalenge na zor se. Thank you very much, wish you all the very best, God bless you, thank you very much. Main mananiya krishi mantri Bihar sarkar se anurodh karta hu ki ve kripya apna bhashan prastut kare. बोलिए भारत माता की। वंदनीय मातृभूमि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के पंचम दीक्षांत समारोह के अवसर पर केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के हमारे कुलाधिपति मणिपुर आदरणीय डॉक्टर एस अय्यप्पन जी, बिहार कृषि विश्वविद्यालय के हमारे कुलपति डॉक्टर अजय कुमार सिंह जी, इस मौके पर बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर प्रबंधन बोर्ड के सभी सम्मानित सदस्यगण, सीनेट के हमारे सभी सम्मानित सदस्यगण, विशिष्ट अतिथिगण,
सभी हमारे अन्य गणमान्य अतिथिगण, बिहार कृषि विद्यालय सबौर के सभी हमारे कुल सचिवगण, अध्यक्षता एवं निदेशकगण, नियंत्रक, सभी हमारे सम्माननीय प्राचार्यगण, शिक्षकगण, पदाधिकारीगण, कर्मचारीगण, सभी हमारे इस देश के भविष्य छात्र छात्राएं, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण, भाई और बहनों, देवियों और सज्जनों, पौराणिक काल से ज्ञान की धरती का गौरव विक्रमशिला के आंचल में अवस्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय के पंचम दीक्षांत समारोह में शामिल होकर अत्यंत खुशी महसूस कर रहा हूं। बिहार कृषि महाविद्यालय कृषि शिक्षा के क्षेत्र में विख्यात रहा है। बिहार के कृषि एवं कृषि से संबंधित क्षेत्र की महत्ता को देखते हुए वर्ष 2010 में सबौर में कृषि विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई। इस विश्वविद्यालय ने अपनी स्थापना के महज 8 वर्ष में ही कृषि शिक्षा अनुसंधान एवं प्रसार के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता अर्जित की है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ के लगभग 10.9 करोड़ आबादी की आय का प्रमुख स्रोत कृषि है। बिहार के मिट्टी उपजाऊ होने के साथ यहाँ पर नदियों की भरमार है। भूमिगत जल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने की वजह से यहाँ की जलवायु और मौसम को ध्यान में रखते हुए एक वर्ष में 3-4 फसलें उगाई जा सकती है। हमारे राज्य के किसान बहुत मेहनती हैं। ऐतिहासिक रूप से धान की रोपनी तकनीक की शुरुआत बिहार से हुई एवं इसके बल पर मगध जनपद एवं अन्य जनपदों से अधिक समृद्धि था। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सन 1905 में देश में पहली बार बिहार में ही कृषि अनुसंधान की शुरुआत हुई थी। इन संसाधनों की उपलब्धता के बावजूद प्रथम हरित क्रांति के दौरान राज्य में कृषि का विकास उस गति से नहीं हो पाया जिस गति से अन्य राज्यों में हुआ, लेकिन वर्ष 2008 में राज्य का पहला कृषि रोड मैप बनाकर कृषि एवं संबंध क्षेत्रों के बहुमुखी विकास के लिए सफलतापूर्वक 2022 तक क्रियान्वित किया गया, जिसके फलस्वरूप कृषि उत्पादों के उत्पादन एवं उत्पादकता में उल्लेखनीय प्रगति हुई। 2012 से 2017 तक दूसरे कृषि रोडमैप का क्रियान्वयन किया गया एवं वर्ष 2012-13 एवं 2016 में क्रमशः धान, गेहूं तथा मक्का के उत्पादन में उल्लेखनीय प्रगति के लिए महामहिम राष्ट्रपति जी ने बिहार को कृषि कर्म प्रदान किया गया और सम्मान राशि के रूप में 1 करोड़ प्रत्येक बार प्राप्त हुआ। इसी क्रम में वर्ष 2017 में पुनः मक्का में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 4वीं बार राज्य को कृषि कर्म पुरस्कार से नवाजा गया है। यह हमारे किसानों, कृषि वैज्ञानिकों, पदाधिकारियों, प्रसार कार्यकर्ताओं, कृषि विभाग सहित खेती किसानी से जुड़े सभी महानुभावों के कठिन मेहनत के लिए दिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश में भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी दुगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। किसानों की आमदनी को दुगुना करने तथा माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि प्रत्येक भारतवासी के थाल में बिहार का एक व्यंजन के संकल्प को मूर्त रूप देने के लिए बिहार सरकार का राज्य का तीसरा कृषि रोडमैप जो 2017 से 22 तक कार्य करेगा तैयार कर संचालन करना एक अनुशासित प्रयास है। इस कृषि रोडमैप में फसल एवं बागवानी के साथ साथ पशुपालन, सहकारिता, जल संसाधन, लघु जल संसाधन, ऊर्जा, भूमि सुधार, पर्यावरण, संपर्क पथ, खाद्यान्न भंडारण, खाद प्रसंस्करण से संबंधित कुल 12 विभागों के कार्यक्रम शामिल हैं। ये सभी विषय कृषि को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। इसके अलावा तीसरे कृषि रोड मैप में बिहार सरकार ने एक बहुत बड़ा निर्णय लेते हुए बक्सर से भागलपुर तक गंगा नदी के दोनों किनारों पर जैविक कॉरिडोर बनाकर जैविक खेती को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है। इसका क्रियान्वयन राज्य के 9 जिलों में 25,000 एकड़ में किया जा रहा है। बिहार कृषि विद्यालय सबौर ने राज्य में कृषि शिक्षा अनुसंधान एवं प्रसार को नया आयाम दिया है, जिसका प्रतिफल है कि विश्वविद्यालय के सभी अंगीभूत महाविद्यालयों में स्नातक डिग्री प्रोग्राम में सभी सीटों के साथ साथ स्नातकोत्तर डिग्री प्रोग्राम में 100% सीटों पर नामांकन हुआ है तथा जे आर एफ एवं एस आर एफ
कंपटीशन के माध्यम से अन्य राज्यों के विद्यार्थियों का नामांकन संख्या में सिर्फ वृद्धि ही नहीं हुई बल्कि यहाँ पर विदेश के छात्रों ने भी भारतीय कृषि अनुसंधान के माध्यम से नामांकन कराया है। मैं विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर जय कुमार सिंह जी को साधुवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने शिक्षकों छात्र छात्राओं एवं सभी लोगों का सहयोग प्राप्त कर इस विश्वविद्यालय को पूरे देश से कृषि विद्यालय में कई समान स्थान दिलाने में सफलता हासिल की है। इस विश्वविद्यालय के शोध कार्यों से हमारे किसानों को काफी फायदा हुआ है। विश्वविद्यालय ने अपने अल्प अवधि में ही विभिन्न फसलों की 20 से अधिक प्रजातियों का विकास किया है। इसमें धान गेहूं चना तीसी मक्का आम बेल मखाना फूलगोभी इत्यादि प्रमुख हैं। इसी प्रकार विभिन्न कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में उन्नत तकनीकों का विकास कर किसानों को लाभान्वित किया गया है। बिहार की विरासत के रूप में मशहूर जरदालू आम भागलपुर कतरणी चावल मग्घी पान शाही लीची को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के उद्देश्य इन फसलों एवं उत्पादों को भौगोलिक सूचक के आवंटन हेतु विश्वविद्यालय का प्रशंसनीय प्रयास रहा है। प्रशिक्षण एवं प्रसार के माध्यम से राज्य के युवाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने एवं उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने हेतु राज्य सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की गई तथा प्रसार के विभिन्न माध्यम से कृषि तकनीकों को किसानों के मध्य पहुंचाकर किसानों का सुदृढ़ीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि भविष्य में विश्वविद्यालय इसी तरह उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षण प्रदान कर राज्य के नवनिर्माण में सहभागिता प्रदान करता रहेगा। मैं आज इस पंचम दीक्षांत समारोह में स्नातक स्नातकोत्तर एवं पीएचडी की उपाधियां प्राप्त करने वाले आप सभी छात्र छात्राओं को बहुत बहुत बधाई एवं शुभाशीष देता हूं। मैं उन सभी छात्र छात्राओं को विशेष बधाई देता हूं जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत के बल पर पदक प्राप्त किया है। मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं एवं आशा करता हूं कि आप कृषि क्षेत्र में लगन निश्चय एवं ईमानदारी के साथ कार्य कर राज्य के कृषि के क्षेत्र में कृषि विकास को एक नया आयाम देने का काम करेंगे। जय भारत जय बिहार जय जवान जय किसान जय अनुसंधान और जय मतलब विज्ञान जय हिंद जय बिहार। मैं कुलपति महोदय से आग्रह करता हूं कि माननीय कृषि मंत्री एवं कुलाधिपति केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल मणिपुर को स्मृति चिन्ह प्रदान करने की कृपा करें। माननीय कुलपति महोदय माननीय कृषि मंत्री महोदय एवं कुलाधिपति केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय महोदय से अनुरोध करता हूं कि आप बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के पंचम दीक्षांत समारोह के समापन की घोषणा करने की कृपा करें। सभी खड़े हो जाएंगे राष्ट्रगान के लिए। भाग्य
विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मा